जयपुर महापौर के उपचुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग के संदेह के चलते जिन भाजपा पार्षदों को पार्टी ने बाहर निकाला था उन्हें अब भाजपा लोकसभा चुनाव में साथ में लेना वापस चाहती है। यही कारण है कि जयपुर शहर से भाजपा प्रत्याशी रामचरण बोहरा के चुनावी कार्यालय में उनके भूमि पूजन कार्यक्रम में निष्कासित पार्षद अनिल शर्मा और तेजस शर्मा भी मौजूद रहे। दोनों ही पार्षद भाजपा का दुपट्टा ओढ़कर के कार्यक्रम में शरीक हुए और जयपुर शहर अध्यक्ष मोहनलाल गुप्ता के साथ में चर्चा करते हुए भी दिखाई दिए। हालांकि निष्कासित पार्षदों की मौजूदगी भाजपा नेताओं के बीच में चर्चा का विषय बनी रही, लेकिन दोनों ही पार्षदों ने यह साफ कर दिया कि वे भाजपा के सिपाही हैं और लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ में मौजूद रहेंगे। पार्टी की तरफ से मुझे कोई ऐसी सूचना नहीं है जिससे कि पार्टी ने मुझे निष्कासित किया, ना कोई मुझे कोई पत्र दिया है। मैं पार्टी में था, हूँ और रहूँगा। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता के नाते मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं काम करूँगा। और मोदी जी का जो सपना है भारत को विश्व गुरु बनाने का, उसके अंदर मैं मेरी भी आहुति देना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पहुँचा हूँ। और जयपुर शहर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट को जिता के भेजने के हम साथी लोग